ए हेलो एवरीवान दिस इज खुशबू Welcome वेलकम टू exam एग्जाम प्रेप so, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही important क्वेश्चन के आंसर के बारे में हाउ टू remember सो मेनी टॉपिक्स फॉर योर CSIR life science exam. लाइफ साइंस एग्जाम all एज वी ऑल नो कि हमारा जो सिलेबस है बहुत वास्ट है एंड ये क्वेश्चन कभी ना कभी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बार आता ही है कि अरे इतना बड़ा टॉपिक है इतना लंबा सिलेबस है इतना वास्ट है ये सिलेबस याद करे तो कैसे करे कैसे कैसे याद करे कितने को याद रखे एंड सब भूल जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन और ये ट्रबल जो है हम सब एज अ स्टूडेंट फेस करते हैं तो आज हम बात करेंगे कि क्या कोई उपाय है जिससे हम अपने मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं और इन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से याद करके रख सकते हैं या हमारे रिवीजन के लिए रिकॉल के लिए कुछ ऐसा ट्रिक है जो हमको हेल्प करेगा इन इतने सारे टॉपिक है तो उसको याद रखने में सो तो देखिए मेहनत तो करना होगा कोई यहाँ पर घूटी नहीं है कोई यहाँ पर कोई ऐसा चूरन नहीं मिल रहा है कि आप खाओगे और आपको याद हो जाएगा तो एफर्ट डालना पड़ेगा लेकिन हमेशा हम कहते हैं ना एफर्ट अगर सही डिरेक्शन में आप लगा रहे हो एफर्ट अगर सही है तो आपको डेफिनेटली उसका इफेक्ट भी देखने को मिलता है ठीक है सो कैसे हम रिमेंबर कर सकते हैं इतने सारे टॉपिक को तो अगर आप याद करेंगे जब आप छोटे होंगे जब आप बचपन में आपकी मम्मी आपके पापा या आपके गार्जियन आपको पढ़ने के लिए बोला करते थे तो आपने सुना है कभी कि वो हमेशा फोकस करते थे या हमेशा एम्फोसाइज करते थे कि लिख लिख के याद करो लिख के याद करो तब ज्यादा जल्दी याद होगा अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है क्या कभी सोचा है कि वाय वो हमेशा बोलते थे क्या उनको ज्यादा मजा आता था कि आपको लिखवाने में उनको ज्यादा अच्छा लगता था या क्या कुछ तो रीजन होगा कि वो बोलते थे लिख लिख के याद करो तो यस लिख so, लिख के याद करो से क्या होगा लिख लिख के याद करो से इट इज डेफिनेटली रिलेटेड साइंटिफिकली विद आर मेमोरी ये हमारे मेमोरी के साथ साइंटिफिकली रिलेटेड है तो हम बात करने वाले हैं वो क्या कुछ टिप्स है कुछ ट्रिक्स है जो हमको हमारे मेमोरी को इम्प्रूव करने में और हमारे टॉपिक को याद रखने में हेल्प कर सकता है उसके बारे में आज हम बात करते हैं एंड दिस इज लाइक जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने इन सारे चीजों को यूज किया था सो दिस इज लाइक वर्क प्लान जो मैं बता रही हूँ ये मेरे ऊपर बहुत अच्छे से काम किया था लेकिन ये डेफिनेटली वर्क करता है ओके सो लेट इज स्टार्ट विद द फर्स्ट की मेमोरी का या मग अप करना या रटना हमें कब पड़ता है ज्यादा जब हम किसी चीज के कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है तो वहां पे देखिए आपको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता पड़ती है लेकिन आप चीजों को अगर समझ जाओ जैसे मान लो कोई कॉन्सेप्चुअल थिंग अगर मैं बोलू की अग्लाइकोलिटिक पाथवे या अगर मैं बोलू की ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लीकेशन एक प्रोसेस में बताऊ तो क्या है उसमें रेप्लीकेशन इज अ प्रोसेस एक प्रोसेस है वो उसमें हो सकता है आप एंजाइम का नाम भूल जाओ बट प्रोसेस को हम नहीं भूल सकते अगर आप समझ गए हो तो लेकिन अगर समझे ही नहीं हो तो आपको एंजाइम तो बहुत दूर की बात है आपको एक एक स्टेप रटना पड़ जाएगा ये होता है कि जब हम चीजों को समझते ही नहीं है तो हमारा लोड ऑफ मेमोरी बढ़ जाता है और वहां पे हमारे ऊपर और एक टेंशन आ जाता है कि इतना याद कैसे करे। क्योंकि एक तो याद करने का वैसे ही हमारे पास बहुत कुछ है बायोलॉजी में वैसे भी याद करने का बहुत कुछ होता है ऊपर से आप समझ नहीं रहे हो तो उसके ऊपर और लोड बढ़ जा रहा है कि आपको वो भी याद करना पड़ रहा है तो इसलिए कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट समझ जाए अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो यहाँ तो कोई आपको बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने हैं कि आपको उसको वैसे याद करना है कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो चीजों को समझने में उनको याद करने के लिए आपके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा तो सबसे पहला मेरा मेरे तरफ से ट्रिप टिक, आपके लिए टिप यही रहेगा कि यू विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक अगर आप समझ जाते हो तो यू योर सेल्फ विल फील की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ आएगा तो आपको रटना नहीं पड़ रहा है लाइक फॉर एक्साम्पल जेबलॉन्स की कॉन्सेप्ट टॉपिक जो मुझे समझ में नहीं आया था कुछ साल पहले तक एंड आई वॉज ऑलवेज मगपिंग थिंग्स की हाँ ऐसा होने से ऐसा हो जाता है ऐसा होने से ऐसा हो जाता है तो वो मुझे रटना पड़ता था एंड ऑलवेज मुझे अगर कहीं पे भी उसको यूज करना है तो मुझे एक बार पलट के देखना पड़ता था हाँ ये कैसे होता है ये कैसे होता है

सिंगलेट का क्या होना है ट्रिपलेट का क्या होना है फ्लोरेसेंस कब होता, होता तो बेझिझक बता सकती हूँ बिकॉज मैंने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेकेंड चीज़ आप ऐसा क्या कर सकते हो जो आपका आ, याद रखने का क्षमता बढ़ जाए तो अभी जिसके बारे में हमने बात किया था जब बचपन में हमारे पेरेंट्स हमारे गार्जियन बोला करते थे लिख लिख के याद करो तो लिख लिख के याद करो मे भी गुस्सा भी आता था क्यों लिखवा रहे मम्मी जबरदस्ती मुझे इतना तो ये इसलिए होता है बिकॉज पेन मेमोरी होता है हमारे पास ये पेन मेमोरी हमको बहुत बहुत हेल्प करता है याददाश्त बढ़ाने में अब ये पेन मेमोरी क्या चीज है पेन मेमोरी होता है जब आप किसी चीज को बार बार लिख के याद करते हो और आप पैसे याद करते हो तो आपके साथ साथ आपका पेन को भी वो चीज याद हो जाता है आपके हाथ को और आपके पेन को भी वो चीज याद हो जाता है और जब आप उसको एग्जाम हॉल में लिखने बैठोगे तो भले आपका एक बार दिमाग एक सेकंड के लिए एक रुके बट आप ऑटोमेटिकली आप देखोगे आप लिखते चले जा रहे हो आपका हाथ नहीं रुक रहा है और आप चले, लिखते चले जा रहे हो आपको याद आते जा रहा है So, ये होता है पेन मेमोरी इसीलिए हम कहते हैं कि लिख लिख के याद करने से हमारा मेमोरी इंप्रूव होता है बिकॉज वहां पे एक ऑन मेमोरी आपके पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं पेन मेमोरी यस तो पेन अब ऐसा नहीं है कि ये पेन से मैं लिख रही हूं तो इसी में मेमोरी है दूसरा पेन उठाऊंगी तो मेमोरी चला जाएगा नहीं पेन मेमोरी का ऐसे कोई नहीं है पेन मेमोरी मीन्स जब हम लिख रहे हैं तो हम लिखते लिखते याद कर रहे हैं और वो पेन में हमारा एज अ राइटिंग के फॉर्म में वो हमारे पास मेमोरी के फॉर्म में आता है ठीक है थर्ड ट्राई टू डेवलप पिक्चर मेमरी अब ये पिक्चर मेमरी क्या है हमेशा देखिये movie अगर आप, आप कोई movie देखे हो तो आपको movie की पूरी एक एक आपको याद हो जाता है जैसे आप ही वहां पर अभिनय कर रहे थे hero heroine के role में थे पर ऐसा तो नहीं है लेकिन आपको पूरी की पूरी कहानी एक बार मूवी तीन घंटे का आप देखते हो और आपको पूरा कहानी याद हो जाता है क्यों एक तो आप उसको देख रहे हो ऊपर से एक वो स्टोरी के फॉर्म में आता है तो ये दोनों ही चीजें एड हो जाती है जब आप चीजों को एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ते हो और जब आप पिक्चर के फॉर्म में देखते हो तो पिक्चर वाली चीजें हमें ज्यादा मेमोरी में हमारे स्टोर होती है ज्यादा समय के लिए तो अगेन पिक्चर मेमोरी यहाँ पे डेवलप होता है अब पिक्चर मेमोरी कैसे डेवलप करे तो जरूरी नहीं मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक आप पढ़ रहे जहाँ पे कोई डायग्राम आपको बुक में नहीं है बट आप अपना कुछ डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए किसी भी चीज को आप लिख रहे हो तो एक फ्लो फॉर्म में फ्लो डायग्राम के फॉर्म में फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लीजिए या एक अपना एक डायग्राम के formula, एक सपोज मान लीजिए बी सेल टी सेल रिसेप्टर मुझे पढ़ना है तो मैं पूरा लिख के नहीं बनाऊंगी अगर मैं बी सेल बना करके मैं उसके सर्फेस पे रिसेप्टर बना दू तो मैं टी सेल बना के उसके सर्फेस पे रिसेप्टर बना दू तो, तो मुझे लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा मैं देख रही हूँ मुझे पिक्चर दिख रहा है तो वो पिक्चर के फॉर्म में वो आपको ज्यादा समय तक याद होता है एंड ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है मैं बी सेल एंड टी सेल के एग्जाम इसलिए दे रही हूँ बिकॉज मेरे साथ ये हुआ था वेन आई वॉज गिविंग एग्जाम तो मुझे एग्जैक्टली exactly ऐसे बी एंड टी सेल के क्वेश्चन आए थे रिसेप्टर इंटरक्शन रिलेटेड और मैं जब डायग्राम बना के मैंने याद किया था तो मुझे ऐसा लिटरली लग रहा था कि मेरे आंखों के सामने मेरा वो कॉपी का वो पेज है एंड मैं वो पिक्चर देख के मैं आंसर लिख रही हूँ मुझे ऐसा लिटरली दिख रहा था बिकॉज पूरा का पूरा पिक्चर मेरे आंखों के सामने था कि क्या पूछा गया और मैंने क्या पढ़ा था तो पिक्चर मेमोरी इज डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी गुड टाइप ऑफ अ मेमोरी सिस्टम जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है ठीक है उसके बाद ट्राई टू मेक सम शॉर्टकट कोड्स हम मिनोमिक्स फॉर्म करते हैं जैसे कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंस फॉर मनी ऑफिसर मिनोमिक्स से आपका लाइक like, uh, uh, क्रेप साइकिल याद रखने का तो उसी तरह से बहुत सारे और मिनोमिक्स होते हैं तो आप कुछ भी ऐसा है तो आप अपना और जरूरी नहीं कि मिनोमिक्स आपको कोई देगा या कहीं से आप लाओगे बोर क्योंकि फिर वो मि मिनोमिक्स को भी याद रखने के लिए आपको मिनोमिक्स बनाना पड़ेगा तो वैसे गलती कभी मत करिएगा वो ऑलरेडी मिनोमिक्स है उसको याद रखने के लिए अगर आपको मिनोमिक्स बनाना पड़ रहा है तो वो किसी काम का नहीं है तो जरूरी नहीं कि आपको कोई मिनोमिक्स बताए कि मैं बताऊंगी तब आप उसका मिनोमिक्स याद करोगे नहीं यू कैन क्रिएट योर ओन जब आप पढ़ रहे हो तो कुछ भी जरूरी नहीं कि उसका कि को, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस भी बने आप अपने नाम अपने फ्रेंड्स के नाम कुछ भी यूज करके एक सेंटेंस फ्रेम कर लो जो मे बी वेग हो बट वो आपके लिए है एंड आपको उससे लिंक हो रहा है एंड आप उसको याद कर सकते हो जैसे हम लोग पढ़ते लाइक ग्लूकोज पी के रामलाल बोला सब सच ये मेरा बनाया हुआ है मैंने यूज किया था जब मैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर पढ़ रही थी तो ग्लूकोज पी के रामलाल बोला सब सच से मुझे सब याद आ जाता है कि कहाँ पे कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है कौन सा सेल में स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा है लिवर में कौन सा है मुझे याद आ जाता है तो इसी तरह से मिनोमिक्स शुड बी योर ओन पर्सनलाइज मिनोमिक्स अगर आपको दूसरे वाला मिनोमिक्स समझ में आ रहा है तो वो भी अच्छी बात है बट यू कैन क्रिएट सम शॉर्ट कोड कट कोड्स uh, जो आपको यूज uh, आ कर पाओ और उसको आप कॉपी में लिखते चले जाओ ऐसा नहीं हो कि फिर वही खोजते चल रहे तो आप उसको लिखते चले जाओ कॉपी में ताकि जब आप रिविजन रिकॉल का समय आए तो वो सब एकदम हैंडी फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो और क्या ट्रिक ट्रिक हो सकता है आपको मेमोरी uh, uh, कैसे याद रखना है तो ट्राई टू रिकॉल एंड प्रैक्टिस रेगुलरली डेफिनेटली जब हम बार 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 सही समय पर रिकॉल और प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे हमारी चीजें बहुत जल्दी याद होती है तो रिकॉल तो देखिये क्या होता है ना कि हमारा जो मेमोरी साइकिल है जब हम पढ़ते हैं तो हमें याद हमें समझ में आता है याद होते जाता है लेकिन जब आप वो टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं ना तो आफ्टर सम टाइम ना भी भूलने लगते हैं तो ये जरूरी है कि इस ग्राफ को नीचे जाने से पहले अगर हम रिविजन साइकिल स्टार्ट कर दे तो हम क्या होगा हम भूलने से पहले उसके ऊपर और काम करने लगे और अगर आप सही समय पर रिविजन नहीं करेंगे तो ये ग्राफ पूरी तरह से नीचे चल जाएगा और जब दोबारा आप पढ़ोगे तो उतने ही एफर्ट डालने पड़ेंगे जितना फर्स्ट टाइम डालना पड़ा था तो सही समय पर रेगुलर रिविजन रिकॉल अगर आप कर रहे हो तो वो आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करता है आपके मेमोरी uh, में साथ साथ में प्रैक्टिस भी आपकी मेमोरी को बढ़ाता है क्योंकि जब हम क्वेश्चन फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं जब आप क्वेश्चन बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो आप थ्योरी जो भी आपने जो भी आपने थ्योरी पढ़ा है उस थ्योरी को प्रैक्टिकली लिंक कर रहे हो ठीक है उसको प्रैक्टिकली लिंक कर रहे हो तो थियोरी को जब आप प्रैक्टिकली लिंक करोगे तो चीजें आपको डेफिनेटली ज्यादा समय के लिए याद रहेगी बिकॉज आपने उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में लिया प्रैक्टिकल यूज में लिया तो और साथ ही साथ में जब आप मान लीजिए कि, कि कोई क्वेश्चन आपने बनाया और वो क्वेश्चन का आंसर आपका रॉन्ग हो गया ठीक है तो क्या करिए आप इमीडिएटली उसका आंसर जाकर के चेक कर लीजिए तो क्या होगा वो क्वेश्चन आप वो जो है उसको कभी भी नहीं भूलेंगे क्योंकि आपने तुरंत उसका आंसर चेक कर लिया वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि ये गलत हुआ था इसका आंसर ये था तो हमेशा चीजों को इमिडिएटली रिलेट करने का कोशिश करिए तो आपको वो याद हो जाएगा ओके सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने इस्तेमाल किया था और मेरे काम में डेफिनेटली बहुत ज्यादा आया है आप भी इसको यूज कर सकते हो तो और भी मैं कुछ बातें एक दो और आपको पॉइंट बता दूं जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई चीज पढ़ रहे हो जैसे हमने बोला एक पिक्चर मेमोरी आप बना बना सकते हो और आप कुछ पढ़ रहे हो मान लीजिए आपके पास एक टेबल के फॉर्म में कुछ डेटा आ गया ठीक है तो आप क्या कर सकते हो आप मोबाइल स्मार्टफोन आज के डेट में सभी के पास है हमारे सबके पास हमारे जिंदगी बिना फोन के तो चलता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं अपने फोन का वॉलपेपर लगा लो जब आप अपने फोन का वॉलपेपर लगा लोगे तो जब भी भी आप फोन उठाओगे सबसे पहले वो आपको सामने दिखेगा और आपको वो क्योंकि बार बार दिखेगा तो आपको हमेशा पिक्चर मेमोरी के आपका स्ट्रांग होता जाएगा कुछ समय के बाद वो पिक्चर हटा करके न्यू पिक्चर उसमें लगा दो फिर उसको हटा के फिर कुछ न्यू लगा दो तो जब आप ऐसे करते रहोगे अभी से अब दिसंबर के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो या कभी कोई भी एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हो आप ये बार बार करते रहो तो उससे क्या होगा आपके लिए वो पिक्चर बार बार चेंज हो रहा है एंड वो आपका मेमोरी बनाते जा रहा है मे भी हो सकता है इनिशियली वो वेग लगे क्योंकि बाहर जाएंगे तो कोई दूसरा क्या बोलेगा ये हो सकता है बट फिलहाल के लिए हमको वो सोचने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल के लिए हमें ये सोचना है हमारा एग्जाम कैसे निकलेगा और हमें याद कैसे रहेगा तो उसके ऊपर फोकस अगर करेंगे और आप अपना वॉलपेपर वगैरह ऐसे सेट करेंगे तो ये बहुत काम करता है ये भी मैंने किया था एक और बहुत ही अः सा चीज है जो मैंने किया था पर मेरे लिए काम किया हो सकता है आपको वेग लगे आपको अगर यू आर कंफर्टेबल यू कैन ऑल्सो डू दिस आई डिड वि जब मैं पढ़ रही थी जब मैं पढ़ती थी मैं कुछ भी अगर जैसे याद करना होता तो मैं क्या करती थी उसको मैं बोल करके अपने वर्ड्स में अपने वर्डिंग्स में उसको बोल करके जैसे कुछ है मुझे याद ही नहीं हो रहा है तो मैं क्या करती थी उसको बोल देती थी और उसको मैं अपना रिंग सेट कर देती थी जब मैं रिंग सेट करती थी फोन बजता था तो वो ही आवाज निकलता था और वो मुझे हमेशा याद हो जाता था तो इसीलिए वो आप दो दिन करके देखो आपको वो टॉपिक याद हो जाएगा चेंज कर लो फिर याद हो जाएगा जो आपको कभी याद नहीं हो रहा है जैसे एंटीबायोटिक्स का नाम याद कर लो ऐसे फोन आएगा ना फोन बजेगा आपको याद हो जाएगा वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा वो So these are few of the maybe very silly things which I did but it has helped me a lot to improve my memory and to recall so vast syllabus so many topics from CSIR grf and helped me to uh, get achieve my dream and I have qualified CSIR grf twice with all in the rank 59 दोनों ही बार मेरा ऑल इंडिया रैंक फिफ्टी नाइन आया था तो मे भी हो सकता है ये सारे जो एफर्ट्स थे वो सक्सेसफुल हुए एंड ये सारे एफर्ट मुझे हेल्प किया कि मैं अपनी मेमोरी को एनहांस कर पाऊं मैं इतने सारे टॉपिक को याद रख पाऊँ और उसको एग्जाम में रेप्लीकेट कर पाऊँ सो यू कैन ऑल्सो यूज दीज ट्रिप टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आप अपना मेमोरी को बढ़ा सकते हैं एंड इतने वार सिलेबस को टैकल कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच बाय बाय टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ